गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आदर्श बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है 27 तारीख का प्रवेश, उसमें हम सीखने वाले हैं या सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करेंगे। और जो भी आपको दिए गए हैं क्वेश्चंस, आप उनका सोल्यूशन कर सकते हैं, किया है तो ठीक है। बाय द वे, अगर कोई डाउट आता है तो स्टूडेंट आप उस चीज को आप मेरे से पूछें। जैसे मैंने एक बार पहले भी 18 का आंसर भेजा था, मैं जो भी आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं उसके आंसर अगर आपके मिल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आंसर आते हैं। बाय द वे, किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट आता है आपके आंसर में तो आप मुझे बोलो, मैं उसका आंसर आपको सेंड करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आज करेंगे अपन 9 का, अटल मदन वाला। तो क्वेश्चन निकाल लो 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, अटल मदन एक फर्म में साझेदार थे जो लाभ हानि को 5-3 अनुपात में बांटते थे। 31/3/2017 को उनका लाभ के 1/5 भाग के लिए मेहरा को नया साझेदार बनाया। नया लाभ हानि अनुपात है 5-3-2। आपको पुराना अनुपात भी दे रखा है, नया अनुपात भी दे रखा है, इसका मतलब कौन से अनुपात की गणना करनी पड़ेगी आपको, क्या के अनुपात की गणना करनी पड़ेगी। मेहरा के प्रवेश के समय फर्म का स्थिति ऋण इस प्रकार था। ये फर्म का स्थिति ऋण इस प्रकार है, बैलेंस शीट दे रखी है कैपिटल अटल अटल और मदन की, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दे रखा है 1200, क्रेडिटर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलेगा, नहीं बोलता तो डिवाइड कर देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, पेटेंट्स, स्टॉक, डेटर्स, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ जाएगा। नीचे सूचना है, मेहरा के प्रवेश के समय ये निर्णय लिए गए, मेहरा अपनी पूंजी के लिए 40,000 रुपए व ख्याति के भाग के लिए 16,000 रुपए लाएगा, जिसका आधा भाग निकाल लिया जाएगा। अब ये 16,000 रुपए जो ख्याति के लाएगा वो कौन से अनुपात में बटेगा, त्याग के अनुपात में। और त्याग के अनुपात में क्या करनी पड़ेगी, गणना, क्यों, नया अनुपात भी है और कौन सा अनुपात है, पुराना। सूत्र क्या हो जाएगा, पुराना माइनस नया। डुप्लट अनुसंधित ऋण के लिए 2.5% का प्रावधान करना है, यानी पीबीटी कितना परसेंट करना है, 2.5% करना है। तो देखो बनाते हैं रिवेल्युएशन अकाउंट। रिवेल्युएशन अकाउंट क्वेश्चन नंबर 9। तो रिवेल्युएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट उसमें हम करते हैं सबसे पहले कि आपका पीबीटी कितना परसेंट होना चाहिए, 2.5%। तो डेटर्स हैं आपके कितने हजार के, 47,000 के, 47,000 का कितना परसेंट निकालना है, 2.5%। तो देखो 47,000 का 2.5% निकालने का तरीका यह है, 2.5/100 लिखते हैं ना, पॉइंट आ गया तो पॉइंट हटा के नीचे क्या ले लो, 1 0 और ले लो, 3 0 से 3 0 कट गई। 47 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 25 से। देखो कितना आता है, 47 को 25 से गुणा करोगे तो 1175 रुपए आएंगे। अब पहले से क्या पीबीटी क्वेश्चन में है, पहले से है पीबीटी। देखो ऐसे लाइबिलिटीज का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने रुपए है, 1200, और होनी कितनी चाहिए, 1175। कितने रुपए कम हुए, 25 कम हुए। दायित्व कम किधर आएगा, CR by PBD 25 रुपए। नेक्स्ट है, विविध लेनदारों में 2500 की एक मद जिसका भुगतान नहीं करना पड़ेगा, लेनदारों की एक मद जिसका भुगतान नहीं करना पड़ेगा, लेनदार कम हो गए by क्रेडिटर, कितने रुपए हो जाएंगे क्रेडिटर के, 2500 की एक मद है तो 2500 का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, ये 2500 के क्रेडिटर। नेक्स्ट आपकी बिजली बिल की आदत बिलों के लिए 3000 का प्रावधान करना है, 3000 का प्रावधान करना है। तो आदत बिल यानी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग यानी क्या हो गया, लायबिलिटीज बड़ा है, तो प्रोविजन फॉर
आउटस्टैंडिंग बिल कितने रुपए का प्रावधान है? 3,000 रुपए का। नेक्स्ट है फर्म के विरुद्ध 325 का एक क्षतिपूर्ति दावा निश्चित हो गया, जिसके आपके 325 रुपए आपको देने हैं, तो क्षतिपूर्ति का दावा निर्धारित हो गया, तो क्या हो गया? लाइबिलिटी बढ़ी है, टू प्रोविजन बना लो, प्रोविजन फॉर क्लेम कितना है? 325, और कुछ भी नहीं है। और फिर बोला है आगे कि उपरोक्त समायोजन करने के पश्चात आपको अटल और मदन की पूंजी को बहरा के आधार पर समायोजन करना है, यानी किसके आधार पर करना है? नए साझेदार के आधार पर। किसके आधार पर? नए साझेदार के आधार पर। तो नए साझेदार के आधार पर पूंजी का समायोजन करेंगे पार्टनर कैपिटल में। अंतर की राशि किससे लिखनी है? कैश से, तो अंतर की राशि हम कैश से लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब अंतर की राशि हम, और तो इसमें कुछ आएगा नहीं, अंतर की राशि बांटो, किस साइड कौन सा साइड ज्यादा है? डीआर सीआर में बांट दो बाई पार्टनर कैपिटल। किसमें बांटोगे? अटल और मदन। कितना रुपए डिपॉजिट करना है? कितना डिफरेंस बांटना है? 800 रुपए। रेशियो क्या है इनका? तो 500 और 3, इसका रिवेल्यूएशन तैयार। आया समझ में? आपको जो भी लिखना था, प्रोविजन फॉर बिल्स के 3,000 डीआर में, प्रोविजन फॉर 325 रुपए डीआर में, पीबीडी के सीआर में 25 रुपए, क्रेडिटर के 2,500 रुपए और अंतर राशि 800 रुपए पार्टनर्स में बांट दी। 2.5% कैसे निकलता है वो मैंने आपको बता दिया है कि 2.5/100 लिख दो, और पॉइंट अगर प्रॉब्लम करे तो 1-0 नीचे लगा देना थी। अब खेचो पार्टनर कैपिटल, कितने कॉलम होंगे? 3, एक अटल, एक मदन और एक मेरा। अटल हेमंत और कृष्णा, आप अपना ऑडियो जो है वो ऑफ कर दो बेटा, आवाज आती है बैकग्राउंड से। अटल मदन मेहरा, अटल मदन और मेहरा। सबसे पहले क्या लिखते हैं पार्टनर कैपिटल में? बैलेंस लिखते हैं, तो बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी कितना है यहाँ? 1.5 लाख और 90,000। 9,000 की पूंजी लिखते हैं बाई कैश। मेहरा कितने लाया? फिर नया साझेदार गुडविल लाया, तो हमें गुडविल बांटनी है बाई गुडविल। अब गुडविल किस अनुपात में बांटनी है त्याग के अनुपात में, जबकि पर्सन में तो दोनों अनुपात दे रखे, नए और पुराने, तो आपको त्याग के अनुपात ही क्या कर लेनी चाहिए? गणना कर लेनी चाहिए। वैसे तो गणना करने से 5 और 3 ही आने वाला है, क्योंकि पहले 5-3, अभी देखो 5-3-2, फिर भी हम एक बार कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या आता है। वर्किंग नोट, त्याग के अनुपात की गणना, अटल और मदन, सूत्र क्या है? पुराना माइनस नया, 5, 8, 3, 8।
माइनस 5 10 3 10, लघुत्तम 40 25, माइनस 20 5 40, 40 15, माइनस 12 3 40, 5 और 3, 5 और 3 है, ठीक है। फिर भी याद रखना, हमें कभी कोई कंफ्यूजन रखना ही नहीं है, नया पुराना दोनों दे तो आपको त्याग की अनुपात की गणना करनी है। नया क्या हो जाएगा, पुराना माइनस नया, 5 3 आया तो गुडविल को 5 3 में बांट दो, कितने कितने मिलेंगे, 10,000 और 6,000, 16,000 बांटती, आधी राशि निकाल लेंगे, किधर निकाल लेंगे, DR में टू कैश, 5,000 और 3,000, ये आधी राशि निकाल दी इन्होंने। उसके अलावा हमें रिवोल्यूशन लेके आना है, पार्टनर्स के नाम किधर है, CR, किधर आ जाएगा, DR, टू रिवोल्यूशन, पाँच सौ 300। उसके बाद में बटने वाली डिजिट ढूंढनी है हमें, तो एक तो देखो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड था, कोई सूचना थी क्या, कोई सूचना नहीं थी, बांट दो YWC फंड, सूचना होती है तो रोक लेते, उतना ही अमाउंट रोकते जितना बोलता, 32,000 को बांट दो, कितने कितने मिलेंगे, 20,000 12,000। उसके बाद एसेट्स की तरफ बटने वाली मत है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, 20,000 को बांटो 5 3 में, कितने आएंगे, 12,500, 7,500, 5 3 में बांट दिया प्रॉफिट एंड लॉस। और कुछ बटने वाली डिजिट, और कोई बटने वाली डिजिट नहीं है, क्या बना लेते हैं, समायोजन, पूंजी का समायोजन करना ना, किसके आधार पे करना है, मेहरा के आधार पर, तो एक लाइन छोड़ के क्या लिखोगे, टू बैलेंस सीडी, और बैलेंस सीडी निकालना हमें वर्किंग नोट में है, देखो कैसे इसका समायोजन होगा, वर्किंग नोट नंबर 2, ये वर्किंग नोट सबसे लास्ट में होना चाहिए, वर्किंग नोट नंबर 1 था त्याग की अनुपात की गणना, वर्किंग नोट नंबर 2 पूंजी की गणना, कितने हैं नए साझेदार के आधार पर पूंजी की गणना करने के, कितनी स्टेप है, 3 है, पहले क्या निकालो, फर्म की कैपिटल, फर्म की पूंजी किसके आधार पर निकालोगे, नए के आधार पर, नया कौन आया, मेहरा, कितने हिस्से के लिए आया, 2/10 के लिए आया, कितने के लिए आया, पलट दो, 40,000 × 10/2, 2,00,000, फिर नया लाभ हानि अनुपात कितना है, 5 3 2 दिया हुआ है, कैलकुलेशन नहीं करना, नहीं तो कैलकुलेशन करना होता है। तीसरी दूसरी स्टेज ये है, ये इसकी पहली स्टेज, ये इसकी दूसरी स्टेज, और तीसरी स्टेज में आप जो कैपिटल गणना हुई है उसको न्यू रेशियो में बांट दो, वही आपकी बैलेंस शीट होगी। तो 2,00,000 को 5 3 2 में बांटोगे तो कितना कितना आएगा, 1,60,000 40,000, 5 3 2, ऐसे अटल 2,00,000 × 5/10 1,00,000, दूसरे के 60 आ जाएंगे, फिर 40 आ जाएंगे, 3/10 2/10 करते जाओ, अटल मदन और मेहरा की पकाई हमें, पहले पूंजी आ गई 1,60,000 40,000, अंतर राशि किससे डालनी है, कैश, बोलो कौन सा ज्यादा है, तो अटल वाले में तो DR ज्यादा लग रहा है, 1,80,000, 1,80,000 में से कितने घटा दो, 13 5 18, 1,18,000 घटा दो, यानी कितने आएंगे, 62,000, क्या टू कैश, ठीक है, 62,000 ही ना। और मदन वाले में कौन सा ज्यादा लग रहा है, मदन वाले में भी यही ज्यादा है, 1,08,000, 1,08,000 में से 70 घटाए तो बच्चे 38 में से 800 घटा दो, 37 दोस्तों,
3,200 और ये दोनों तरफ 40-40 हैं। ये पार्टनर कैपिटल, यहां तक कुछ कोई डाउट है तो किसी के, पार्टनर कैपिटल कैसे बना? मैं इसको अभी रफली हटा दूंगा, याद रखना ये कैसे समायोजन किया है मैंने, फर्म की पूंजी गणना करी है नए के आधार पर। हाँ हेमंत कुछ पूछना है तो आप अपना ऑन करो बेटे, ऑडियो ऑन कर लो। सर वीडियो सही नहीं आ रही, बैलेंस वापस बताऊं क्या? नहीं सर वीडियो सही से नहीं आ रही, दिख रहा नहीं है साफ। हाँ जी साफ नहीं दिख रहा, साफ नहीं दिख रहा, क्या चीज नहीं दिख रही बेटा इसमें से? सर पूरा बोर्ड ही साफ नहीं दिख रहा है। नहीं यार बोर्ड तो एकदम क्लियर है, मेरे पास स्क्रीन चल रहा है बेटा। सर मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, चलो देखते हैं बाद में क्या होता है ना। जैसे मेरे पास भी सामने कंप्यूटर है बेटा, उसमें एकदम क्लियर दिख रहा है, यानी कैमरे में नो डाउट एकदम क्लियरिटी है। कैमरे में क्लियरिटी है बेटे जी, देखो तो वापस एक बार बता देता हूं कि उसकी पूंजी 40,000 थी, सता 2/10 यानी 10/2, 2 लाख। नया लाभ अनुपात दे रखा है 5-3-2, 2 लाख को 5-3-2 में बांटा 1,60,000-40,000। बैलेंस डी, अंतिम राशि किससे लिखनी है? कैश, कैश से लिख दिया 62,37,200। अंतिम राशि का मतलब सी आर जोड़ा डी आर घटा दिया, डी आर सी आर जोड़ने के बाद अंतिम राशि जिस साइड आती है उस साइड लिख दी। कोई डाउट? ऐसे क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन नंबर, ये पार्टनर कैपिटल। बैलेंस शीट बनाऊं? हाँ ये मेरा है, अटल मदन मेहरा, 5-3-2, 2 लाख को 5-3-2 में बांटा, 5/10, 3/10, 2/10, ठीक है। नेक्स्ट बनाएंगे बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट बनेगी कैसे? स्पेस नहीं है तो आप लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट खुद लिख लेंगे, है ना, बैलेंस शीट के ऊपर का फॉर्मेट। हम तो सीधे बैलेंस शीट बना रहे हैं, देखो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले कैपिटल है अटल मदन की, तो हम कैपिटल लिखेंगे अटल मदन मेहरा की, कैपिटल अटल मदन मेहरा 1,60,000-40,000, टोटल बाहर गया 2 लाख, ये कैपिटल। उसके बाद में दे रखा था पीबीडी 1,200 रुपये था, 25 कम हो गया तो कितने रह जाएगा 1,175 पीबीडी, 1,175। फिर था क्रेडिटर, उसमें कोई चेंजमेंट था क्या? 2,500 रुपये की कमी है क्रेडिटर में, तो क्रेडिटर कितना है? 17,500 का। फिर उसके बाद डब्ल्यूसी फंड हमने बांट दिया, कोई नया दायित्व तो आया? 2 आए, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल और प्रोविजन फॉर क्लेम, दोनों दायित्व हैं, दिखा दो। एक के 325, ये तो लायबिलिटी साइड। अब एसेट चलते हैं, एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग कोई चेंजमेंट है क्या? नहीं है, एज इट इज लिख दो। कितने की है? 1.5 लाख।
नेक्स्ट है मशीन, कितना का है? 40,000। नेक्स्ट पेटेंट में भी कोई चेंजमेंट नहीं है, 5,000। नेक्स्ट है स्टॉक, कोई चेंजमेंट नहीं है। नेक्स्ट है डेटर्स, कोई चेंजमेंट नहीं है, 47,000। नेक्स्ट है कैश, कैश में काफी कुछ चेंजमेंट है। अब ये कैश देखो ओवरड्राफ्ट भी बन सकती है। देखना कैश पहले कितनी थी, 4,200 रुपए थी, कितने रुपए थी आपके पास? 40,000 एक आई, 16,000 एक आई, यानी टोटल कितनी आई? 56, टोटल हो गई 60,200। जबकि निकली कितनी है? 8,000 तो एक निकली, 62,000 एक निकली, 37,200 एक निकली, टोटल कितनी निकल गई? 1,07,200, जबकि थी 60,200 की, तो ये तो ज्यादा निकल गई। कितनी निकल गई? 47,200। क्या बन जाएगा 47,200 का? ओवर ड्राफ्ट, जमा धन से अधिक निकलना क्या कहलाता है? अधिविकार्स। तो आपका कैश तो अब आएगा नहीं, और जबकि क्या बन गया? ओवर ड्राफ्ट, बैंक ओवर ड्राफ्ट 47,200। अब इनको टोटल कर लो, एसेट्स कुछ बना नहीं, चलो टोटल करो फटाफट। 90, दो गुणहत्तर, 269, दोनों तरफ के जोड़ आने चाहिए 2,69,000। ये 47,000 का बनेगा बेटा ओवरड्राफ्ट, 47,000, 47,000 का ओवरड्राफ्ट। दोनों तरफ का जोड़ कितना आएगा? 2,69,000, 2,69,000। ऐसे क्वेश्चन क्या हुआ? कंप्लीट। पूछो इसमें कुछ पूछना है तो। वापस से क्लियर कर देता हूं, देखिए अब क्लियर है। थोड़ा सा घुमाता हूं इस साइड, देखिए वापस से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। रिवैल्यूएशन, दो प्रोविजन बने, लायबिलिटीज होती है डीआर, पीवीडी में कमी आई, दायित्व में कमी आई सीआर, और क्रेडिटर दायित्व में कमी आई सीआर। सभी दायित्व थे, दो में वृद्धि दो में कमी, तो कोई दिक्कत नहीं। अंतिम राशि पार्टनर्स में डिवाइड कर दी। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले बैलेंस लिखा, फिर कैश आया, गुडविल डिवाइड की सेक्रीफाइस रेशियो में, डब्ल्यू सी फंड बांट दिया, कुछ सूचना नहीं थी, गुडविल का कैश निकाला है, गुडविल का कैश निकाला है, रिवैल्यूएशन के अंतर की राशि लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में था बांट दिया, और बैलेंस शीट भी हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट की है। क्यों कैलकुलेट की है? क्योंकि आपकी पूंजी किसके आधार पर होनी चाहिए थी? मेहरा के आधार पर, मैंने समझाया भी था। तो 1,60,000, 40,000, इसलिए आपको 62,000 तो अटल के टीआर में आए, यानी निकालेगा। मदन 37,200 निकालेगा ताकि ये कैपिटल हो जाए, और फिर बैलेंस शीट बनाई। बैलेंस शीट में अटल मदन मेहरा की कैपिटल लिख दी, पीपीडी लिख दिया, क्रेडिटर लिख दिया, दो लाइबिलिटीज बनी वो लिख दी, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, पेटेंट्स, स्टॉक, डेटर्स में कोई कमी वर्दी नहीं थी, एज इट इज लिख दिया। कैश जब देखा तो हमने देखा कि कैश हमारे पास 4,200 पड़े थे, 56,000 आए थे, यानी टोटल कितने आए? 60,200, जबकि निकलने वाली अमाउंट थी 1,07,200, यानी 47,000 ज्यादा निकला। जमा धन से अधिक निकलना क्या कहलाता है? बैंक ओवर ड्राफ्ट, ये बैंक ओवर ड्राफ्ट, और दोनों तरफ का जोड़ बराबर।
आया क्वेश्चन समझ में? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 को घर से करके लाना है, मैं उसको आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ उसमें होता कैसे। देखिए, शिखर रोहित एक फर्म में साझेदार हैं 3:1 अनुपात में। 1 अप्रैल 2017 को कवि को फर्म में 1/4 भाग के लिए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया है। कवि 4,30,000 रुपये की पूंजी के लिए लाता है, तो यानी यहाँ बाई कैश कितने लिख देना, 4,30,000। ख्याति के लाता है 25,000, कुछ नहीं बोला तो ख्याति के 25,000 गुडविल को बांट देना। किस रेशियो में? 7:3 अनुपात में। ये बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व बांट देना बाई GR। WC फंड की इंफॉर्मेशन नहीं हो तो बांट देना बाई WC फंड। एसेट्स में बढ़ने वाली कोई डिजिट नहीं है। भूमि भवन के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी है, 20% से बढ़ाया जाए तो किधर बढ़ाना, CR साइड 20%। मशीन के मूल्य में 10% कमी करनी, किधर करना, DR में। क्षतिपूर्ति का दायित्व 50,000 निश्चित हो गया, तो 50,000 तो छोड़ देना और 50,000 बांट देना, क्योंकि 1,00,000 आपके पास हुई तो 50,000 बांट देना WC फंड के। शिखर रोहित की पूंजी कवि के आधार पर होगी, तो अब आपको करना क्या है, कवि की बैलेंस के आधार पर पूंजी निकालनी है फर्म की। नया लाभ हानि अनुपात निकालना है, नया लाभ हानि अनुपात निकाल कर बैलेंस शीट निकालनी है, और बैलेंस शीट निकाल के अंतर्गत से किससे लिखनी है, कैश कर दोगे प्रश्न। इस तरीके से प्रश्न नंबर क्या करना है आपको, 10 का घर से करके लाना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके। इसमें कोई भी डाउट आए तो आप पूछ लेना। वैसे क्वेश्चन नंबर 10 की मैं आपको जो भी आपका वो बनेगा आंसर वो मैं सेंड कर दूंगा, लेकिन फिर भी आपको करना है उसके बाद मेरे से पूछना है। इस क्वेश्चन नंबर 9 को कर लो, और अगर वो चेक हो जाता है, देखो नीचे रिवेल्युएशन, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट, आपके आंसर आते हैं उनको मैच करना। ओके स्टूडेंट, बाय।